नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। सिंगापुर की तेज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। और देश का नाम भी आप याद रखेगा कि ये सिंगापुर के तेज पर बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजरा मिशन किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश की बात हुई है, अब उत्तर प्रदेश का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवस का विशेष अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन। नेपाल देश के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। लखनऊ कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जिसका नया नाम अभी चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज। राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 75 जिले हैं लोकसभा की, 80 सीट राज्यसभा की, 31 विधानसभा की, 403 विधान परिषद की 100 सीटें हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तराखंड, दिल्ली जो कि यूटी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन 9 के साथ बाउंड्री शेयर होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 7 जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इन 7 जिले के नाम आपको याद होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, 2022 में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इनको। नाम क्या है? व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की। इसकी कैपिटल कीव है और करेंसी है हेरिमलिया। रेवेनिया इसकी करेंसी है। तो डी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी फिलीपीन पीसो है, प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केनियन शिलिंग है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो डी ऑप्शन यूक्रेन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एग उत्पादक देश कौन सा बना है? यहाँ पे एग प्रोड्यूसर की बात हुई है, तो ये बना है अपना देश भारत। डी ऑप्शन भारत जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईरान की बात करें, तेहरान कैपिटल है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2022 में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता?
तो ये जीता फहमीदा अजीम ने। और ये किस देश से हैं, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हैं बांग्लादेश से। इनका इस देश का नाम आप याद रखेगा कि ये बांग्लादेश से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन, 2022 में यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है, डी ऑप्शन 24 अगस्त। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये जुलाई और अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं। कोप 27 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा इजिप्ट में। कायरो इसकी कैपिटल है, इजिप्टियन पाउंड करेंसी है, डी ऑप्शन इजिप्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यूरो करेंसी है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। नामीबिया की कैपिटल विंडोक है, प्रेसिडेंट है हेज जिनजोक। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। तो डी ऑप्शन इजिप्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये किया हरियाणा में, डी ऑप्शन हरियाणा जो है। ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 24 अगस्त को मनाया जाता है, ए ऑप्शन 24 अगस्त। एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। तो बी ऑप्शन माली नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारत और किस देश ने 22 अगस्त 2022 को दोनों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ईरान सही आंसर है। किसने 24 अगस्त 2022 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? राजनाथ सिंह, इन्होंने भाग लिया। अगस्त 2022 में किसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई का निदेशक नियुक्त किया गया? देवाशीष मोहंती इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2022 में कहां पर भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई? महाराष्ट्र सही आंसर है, महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की गई। किसने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सिल्क मार्ग एक्सपो का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला सही आंसर है। देश का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल प्रमाणित प्रदेश बना है? तो दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2022 में किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की? कौन सा देश आतंकवाद के विरुद्ध अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटवेयर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 का अनावरण किया? अगस्त 2022 में किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए $96.3 मिलियन का लोन समझौता किया? अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।